सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज प्रतीक अग्रवाल, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम सीएमएचडीएच कोलकाता। तो यार आज की वीडियो, मतलब कुछ लोगों ने मुझे डिमांड की थी इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो फाइनली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आज का टॉपिक होने वाला है कि मैंने अपने बायो में नीट 2021 में 355 आउट ऑफ 360 स्कोर कैसे किया। तो मतलब उसमें मतलब एक टेक्निक थी जो मैंने यूज़ किया लास्ट के टाइम पे, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया। मतलब मेरे स्कोर को 340 प्लस ऑलमोस्ट मेरे टेस्ट में लास्ट में हमेशा 340 प्लस ही आ रहे थे, मतलब मैं जिस तरह से लास्ट में कर रहा था। तो मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ, होप आपको ये हेल्पफुल लगे। मतलब मैंने तो पहले से टारगेट करके रखा था कि मुझे बायो में 340 या फिर उसके ऊपर ही चाहिए, वरना सिलेक्शन मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता। हम अब मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका स्कोर बायो में 340 से कम होता है फिर भी वो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, मतलब उनका फिजिक्स केमिस्ट्री काफी स्ट्रॉन्ग होता है। पर मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब बहुत अच्छा स्कोर मेरा आता नहीं था, मतलब 140-150 ऐसा आता था। तो मुझे पता था कि मुझे बायो में मतलब 340 एटलीस्ट मुझे टारगेट करना है ताकि मेरा स्कोर 600 प्लस चला जाए। तो मतलब उसके मैंने क्या किया लास्ट के टाइम में, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, होप आपको ये जो भी मेथड है आपको हेल्प करे और आपके भी स्कोर बायो में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो सकता है इससे। सो वीडियो को स्टार्ट करते। तो देखो ऐसा कुछ खास टेक्निक तो है नहीं, मतलब मैंने क्या किया लास्ट के टाइम पे, मैं खाली मेरे जो बायो में जो मिस्टेक्स हो रहे हैं मैं खाली उन्हीं को पढ़ रहा था। मतलब जो चीज़ मुझे आता है मैं उन्हें उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, मैं मेरे खाली जो चीज़ में मुझे मिस्टेक हो रही और जो मैं भूल रहा हूँ खाली मैंने उन्हीं को दिया था ध्यान दिया था उनमें, और उसके कारण मेरे मतलब टेस्ट में भी अच्छे नंबर आते थे। मतलब जनरली मेरे बायो में लास्ट में जो 15-20 दिन बच गए थे उसमें मेरे टेस्ट में जनरली 340 प्लस ही आ रहे थे मेरे। मतलब खाली मिस्टेक्स को रिवाइज करने का भी मैंने तीन तरीके से किया था, मैं आपको तीनों तरीके एक एक करके बता देता हूँ, आपको जो भी सही लगे फॉलो कर लेना। तो चलिए फर्स्ट मेथड की तरफ देखते हैं अपन। तो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे ये कॉपी के पेज में मैंने जो भी मिस्टेक्स होते थे मैं उसे यहाँ पे लिख लेता था पहले। मतलब देखो आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि लिविंग स्टेट इज सिनोनिमस विद मेटाबॉलिज्म, मतलब ये एक छोटा सा लाइन है पर मुझे ये लाइन याद नहीं रहता था। मतलब ये फर्स्ट चैप्टर हमारे क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है ये उसी का है, मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर भी लिख दिया था यहाँ पे कॉर्नर में, जैसे ये चैप्टर 1 का है। ऐसे करके मैंने बायो के जितने भी हमारे 38 चैप्टर से मैंने सब के लिए बना लिया था ऐसे, और यहाँ पे साइड में मैंने एनसीईआरटी का पेज नंबर लिख दिया कि ये लाइन आपके एनसीईआरटी में कौन सा है, और मतलब यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया कि मेरा मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट में मुझे दिक्कत हो रही थी। मतलब जैसे यूनिसेलुलर वर्ड का मैं कभी मल्टी सेलुलर ऐसे सोच लेता था, मतलब इसके कारण मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे थे। मतलब फर्स्ट चैप्टर में मुझे इन क्वेश्चन में गलत मिस्टेक हो रहा था, और जैसे फिर सेकंड चैप्टर जो हमारा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसमें मैंने ऐसे कुछ मिस्टेक्स अपना नोट डाउन किया था। मतलब एक मिस्टेक को भी आप इसको बोल सकते हैं, पर मैंने फिर इसे ज़्यादा यूज नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ क्यों। जैसे देख लो आप, फर्स्ट मेंबर ऑफ क्राइसोफाइट्स इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन वाटर, मतलब देखो फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन वाटर, ये चीज़ मैं भूल जाता था। मतलब मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया रेड पेन से और इसको पेज नंबर लिख दिया यहाँ पे, पेज नंबर 20 में ये लिखा हुआ है। ऐसे करके मुझे जितने भी पॉइंट्स होते थे दिक्कत होते मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता था और लास्ट के टाइम पे इन्हीं को रिवाइज करता था, अलग अलग पेन से लिखा था ताकि वो फिर बाद में एक जैसा सारा नहीं लगे, अलग अलग पॉइंट्स ऐसे सेग्रीगेशन भी हो जाएगा अलग अलग कलर से। मतलब पेन के मैंने अलग अलग कलर कर दिया था ताकि अलग अलग वो पॉइंट्स जो भी उससे साफ साफ दिखाई देते कि ये अलग पॉइंट है ये अलग पॉइंट है। तो ऐसे बाकी चैप्टर्स के भी, नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम का है, फिर आगे ये एनिमल किंगडम के, मतलब वैसे आप भी चाहो तो ऐसे बना सकते हो, आपको जो दिक्कत लगता है आपका वैसे बनेगा, आपके क्वेश्चंस जो भी आपके पॉइंट्स होंगे वैसे बनेंगे वो। मतलब ये सब जितने भी मैंने लिखे इन सब में मेरे मिस्टेक्स होते थे या फिर मुझे इनमें हमेशा दिक्कत आती थी याद रखने में, तो मैंने इन्हें अलग से नोट डाउन कर लिया था। पर मैंने ज़्यादा दिन तक इसे फॉलो नहीं किया क्योंकि क्या होता था कि यार ये लिखने में भी टाइम बहुत जाता है, तो फिर मुझे लगा कि चलो मुझे याद तो जा रहा है पर लिखने में टाइम जा रहा है तो इसका कोई अलग अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो ये तो एक मेथड था जो मैंने यूज किया था, मतलब ये मैंने इनिशियली यूज किया था, पर जैसे जैसे मैं इसे यूज कर रहा था मुझे एक तो बात पता चली कि इसमें मेरा लिखने में मुझे टाइम जा रहा है, तो ये टाइम मुझे कम करना था। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया इसके बाद, तो वो भी आप देख सकते हैं, एक एडोबी एक्रोबेट रीडर बोल के एक ऐप आता है प्ले स्टोर में, वो आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वो डाउनलोड कर लेना। उसमें क्या होता है कि आप जैसे कोई भी पीडीएफ हो, मैंने क्या किया था सारे अपने एनसीईआरटी के पीडीएफ डाउनलोड कर लिए थे उसमें, और उसमें आप कोई भी पीडीएफ को अंडरलाइन या हाईलाइट कर सकते हो। तो फिर मैं क्या करता था कि मेरे टेस्ट में जो भी मिस्टेक्स हो रहे हैं मैं जाता था और उस पीडीएफ में खाली उनको हाईलाइट कर देता था, इससे मेरा लिखने का टाइम बच जाता था, और कोई भी हाईलाइट पॉइंट मुझे अगर मिटाना हो तो उसे मैं इरेज भी कर सकता हूँ। तो आगे मैं आपको लाइव करके दिखा दूंगा कि वो कैसे होता है। सो ये एडोबी एक्रोबेट रीडर का ऐप है प्ले स्टोर में। सो ये जब आप देखोगे इसको प्ले स्टोर में, इसके डाउनलोड्स भी अच्छे हैं, लगभग 500 मिलियन के करीब।
तो आप यही ऐप डाउनलोड करना, कोई और मत कर लेना। वैसे इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ठीक है, देखते हैं अब ये ऐप में इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो ये मैंने एडोबी रीडर में मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स का PDF खोला है। तो इसमें देखते हैं कि हम लोग अंडरलाइन कैसे करेंगे कोई भी चीज़ को, अगर हमें उसमें अगर कोई भी डाउट्स आ रहा है और हमें वो मार्क करके रखना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले से एक लाइन मार्क करके रखा था, ये एडवेंटिशियस रूट्स वाला, जैसा आप देख सकते थे वो लाइट ब्लू कलर में। और नीचे मैं आपको एक दो डेमो करके भी दिखा दूँगा कि कैसे करना है हमें। अगर मेरे को यहाँ पे कोई भी लाइन जैसे हाईलाइट करना हुआ, तो सबसे पहले तो मुझे पेंसिल आइकन में नीचे क्लिक करना है, फिर मैं कमेंट में क्लिक करूँगा और फिर नीचे लेफ्ट साइड में मार्कर क्लिक करूँगा। मुझे यहाँ पे डिफरेंट कलर्स दिख जाएंगे जो मुझे सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट कर लिया, फिर मुझे जो लाइन अंडरलाइन करना है उससे मैं टैप करूँगा, लॉन्ग प्रेस करना है और फिर नीचे तक ड्रैग करना है जहाँ तक मुझे वो लाइन को हाईलाइट करना है। जैसे रीजन ऑफ एलोंगेशन आप देख सकते हो, मैंने जैसे इसे हाईलाइट किया, फिर ये रीजन ऑफ मैचुरेशन वाला मैंने लाइन को हाईलाइट किया, क्योंकि ये दो लाइन के जो फीचर्स हैं मुझे इसमें दिक्कत आते थे याद करने में, इसलिए मैंने इन्हें हाईलाइट कर लिया। वैसे आपको अगर और भी कोई लाइन में ये दिक्कत हो रही है तो आप इसे इस तरह से मार्क कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। कोई भी लाइन के ऊपर आप लॉन्ग प्रेस करना, फिर उसे आगे ड्रैग कर देना, तो वो वाली लाइन आपकी हाईलाइट हो जाएगी। इस ऐप का जनरली आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कोई भी आप एग्जांपल्स मार्क करने में, और डिफरेंट कलर्स यूज़ हो जाएंगे आपके हाईलाइट करने में, तो उससे थोड़ा सेग्रीगेटेड लगेगा ये चीज़। और अगर आपको कोई हाईलाइट मिटाना है तो भी आप इसको इरेज कर सकते हो। तो मेरे को ये चीज़ शुरुआत में काफ़ी सही लगा था यूज़ करने में, बट विद टाइम जब मैं इसे यूज़ कर रहा था तो मुझे कभी कभी इसमें हाईलाइट करने में दिक्कत आ रही थी। जैसे कोई चीज़ अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ तो वो होता नहीं था एक बार में, कभी कभार। जैसे आप देखो, ये फ्लोरल फॉर्मूला मैंने हाईलाइट किया और ये एक बार में हो नहीं रहा हाईलाइट पूरा। ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ कि मैंने हाईलाइट करने की कोशिश किया पर वो होता नहीं एक बार में, तो फिर वो एक ही चीज़ को हाईलाइट करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो फिर इसलिए मैंने ये वाला ऐप भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया था अपने मिस्टेक्स को एनालाइज़ करने के लिए, क्योंकि फिर वो एक ही चीज़ को हाईलाइट करने में इतना टाइम जाएगा तो फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था। तो फिर मैंने कुछ समय तो इसको शुरुआती में यूज़ किया था, पर फिर बाद में मैंने इसे यूज़ करना छोड़ दिया था। सो वैसे ये आपके ऊपर है, अगर आपको सही लग रहा है, आपका फ़ोन में सही से चल रही है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। सारे चैप्टर की समरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको एक रीडिंग तो मारनी है, क्योंकि कुछ कुछ लाइन इसमें ऐसे होते हैं जो कि आपके पूरे चैप्टर में लिखे नहीं होते और आपके समरी में लिखे होते हैं। तो आप लोगों ने एडोबी रीडर का देख लिया कि ये मैंने कैसे यूज़ किया था, बट मैंने इसे भी ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं किया, क्योंकि क्या हो रहा था कि कभी कभी तो मैं अंडरलाइन करता था वो ठीक होता था, पर कभी कभी क्या होता था इसका ये मार्कर वाला चीज़ काम नहीं करता था और वो अंडरलाइन हो नहीं पाता था, तो उसके चक्कर में फिर मेरा फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा था उसमें भी। मतलब मैं एक ही चीज़ को अंडरलाइन करने के लिए उसमें मेरा एक दो मिनट लग जा रहे थे, तो वो काम ही नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि ये चीज़ भी मुझे थोड़ा ड्रॉप करना पड़ेगा, कुछ और चीज़ सोचना पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया, ये आप लोग में से कोई लोग यूज़ कर भी सकते, कोई मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये करने को, इसमें आगे थोड़े पैसे लगेंगे। मतलब पैसे क्या लगेंगे कि मैंने क्या किया था कि मैंने अपने 11 और 12 के नए NCERT खरीद लिए थे। अब नए NCERT को खरीदे मतलब वही अंडरलाइन करने के लिए लिया था, क्योंकि मेरा एडोब रीडर में अच्छे से वो काम खो नहीं रहा था। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने NCERT में खाली अब जो चीज़ मेरी मिस्टेक्स हो रही थी उन्हीं को खाली अंडरलाइन किया और उन्हीं को पढ़ा। ये मेरी पुरानी NCERT, पहले आप इसे देख लो कि मतलब मैंने इसको इतना कलरफुल, इतना इसमें मेरा होली सा कलर हो गया था पूरा, कि मतलब इसे मुझे बार बार देखने का मन नहीं होता था। तो इसलिए मैंने नई NCERT ले ली और उसमें मैंने फ्रेश मार्किंग किया जितना भी, मतलब वो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि न्यू से थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा था पढ़ने में। तो आप देख लो कि इसमें मैंने क्या हालत किया था, मैंने इतना कलरफुल हो गया था ये कि वापस देखने का मन नहीं हो रहा था। ऐसे हाल 12th वाली NCERT का भी था। ये मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे याद करने के लिए, कोई कोई चैप्टर्स में जो मुझे दिक्कत होती याद करने में, वैसे साइड हैंड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिख लेता था। जैसे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, कितना ज़्यादा मार्किंग कर दिया, वो फिर पढ़ने में वो बोरिंग सा लगता है। मतलब ओके, सो ये मेरी न्यू NCERT खरीदी थी, ये वो है। तो इसमें आप देखना, इसमें मैंने मार्किंग्स बहुत कम किए हैं, क्योंकि इसमें खाली वही पॉइंट्स मार्क है जो मैं भूलता था, जो मुझे याद है वो तो मैं देखता ही नहीं था इसमें से। देख लो आप, जैसे इसमें कोई मार्किंग्स नहीं है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे ये अंडरलाइन किया हुआ है, ये पॉइंट मैं भूलता था इसलिए मैंने अंडरलाइन कर लिया, और बाकी इसमें और कुछ भी मार्क्स नहीं है।
जैसे यहाँ पे नहीं, मतलब इस चैप्टर में तो ज़्यादा इससे किसी को दिक्कत आती नहीं है। हाँ देखो आप, जैसे यहाँ पे, हाँ ये वाला पॉइंट, ये अंडरलाइन मैंने कर लिया था, एरिस्टोटल वाला, इसमें मुझे दिक्कत होता था तो ये मैंने मार्क कर लिया था। फिर यहाँ पे ये टेबल, इसमें भी ये सर्कल जो मैंने किया हुआ है, इससे हमें दिक्कत होता था इसलिए मैंने मार्क कर लिया। बाकी मैंने कुछ मार्क नहीं किया था, जो जो मुझे आता है वो मैंने खाली ऐसे स्किप रखा था। खाली मुझे जिसमें दिक्कत है खाली वही चीज़ मैंने सर्कल किए थे, मार्क किए थे, पेंसिल से मार्क किया था। वैसे आप चाहो तो किसी से भी कर लेना। जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हैं, तो ये आप, तो ये तो वैसे आपके हिसाब से होगा, जो आपको दिक्कत हो रहा है आप उसी में मार्क करना। और हाँ, समरी आपको नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, सारे चैप्टर की समरी भी इम्पोर्टेंट है। जैसे एनिमल किंगडम वाला चैप्टर ये हो गया, मतलब आप लोग ऐसा अच्छा से दिख नहीं रहा हो कोई मार्किंग, क्योंकि मैंने पेंसिल से किया और ज्यादा मार्किंग्स भी नहीं है। जैसे यहाँ पे ये बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर में, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर वाला, इसमें थोड़ा दिक्कत होता था मुझे। और ये लास्ट के बायोमोलिक्यूल का पार्ट जो कोफैक्टर्स वाला, तो मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। नहीं और ये प्लांट फिजियोमी में मुझे बहुत दिक्कत होता था, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा था ये सब पॉइंट्स। साइंटिस्ट का जो डिस्कवरी था उन सब में भी दिक्कत होता मुझे यहाँ पे। सो मतलब वो तो सबका अपना अपना होगा, किसको क्या, कौन सी चीज इजी लगती है, किसको कौन सा डिफिकल्ट लगती है, आप अपने हिसाब से उसको मार्क कर लें। मतलब ये एनसीईआरटी में खरीदने में तो आपको कुछ पैसे जाएंगे, आई गेस 300-400 लग जाएंगे। तो वो जिसको अगर आपको जो सूटेबल लगे आप एनसीईआरटी खरीद के उसमें करना चाहो मार्किंग तो उसमें कर लेना, वरना मैंने आपको एडोबी रीडर वाला बताया, आप उस हिसाब से भी जा सकते हो। तो वैसे यहाँ पे है कुछ मार्किंग, तो मतलब इस हिसाब से मैंने क्लास 12th की एनसीईआरटी मार्क की थी। तो ये क्लास 12th की एनसीईआरटी, इसमें भी देखो आप, जैसे कुछ कुछ सर्कल्स किए हुए, ये सब चीज दिक्कत है। जैसे ये बिलो वाला चीज, ये सब आपको हर एक वर्ड एनसीईआरटी याद रखनी है, तब ये मतलब 350-340 टारगेट्स। जैसे बिलो अबव मेरा कभी कभी गलत हो जाता था वो वाला चीज। और यहाँ पे जैसे क्वाइट रहे, ये सब जो चीज मैंने सर्कल करके रखा ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक वर्ड ही आपको दिए मतलब स्किप हो जाते हैं आपके आंखों से, पर क्वेश्चन जब आते हैं ना तो फिर ये परेशान करते। तो मैंने ये सब मार्क कर लिया था, मतलब क्योंकि इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ था कि मुझे समझ में आ गया था कि मेरे कौन कौन सी चीज़ में बार बार दिक्कती हो रही, तो उसे याद करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही मैंने पूरा क्लास 12th का भी हर चैप्टर का ऐसे मार्किंग हल्का फुल्का किया हुआ था। ये न्यू एनसीईआरटी है मेरी, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मार्किंग्स कम है कम्पेयर टू ओल्ड एनसीईआरटी। ये मैंने न्यू एनसीईआरटी मैंने एग्जाम से आई गेस 1 month पहले लिया था। तो ऐसे ही मैंने पूरे के पूरे एनसीईआरटी को ऐसे मैंने बाद में मार्क कर दिया था, और मैं खाली इन्हीं पॉइंट्स को पढ़ा था लास्ट में, बस इन्हीं को पढ़ा था मैंने लास्ट में। तो फिर बस 355 आ गए, मतलब इतनी बार इन्हें भी देख लिया था, और एनसीईआरटी मैंने ऑलरेडी 8-10 बार पढ़ी हुई थी, तो सब हेल्प हो गया थोड़ा। सो दिस वाज हाउ यू शुड रिवाइज माय मिस्टेक्स ऑफ बायोलॉजी। तो मैंने इसमें आपको तीनों मेथड बता दिया, आई होप आपको तीनों समझ में भी आ गया होगा। तो आपको जो इन तीनों में से सही लग रहा है वो फॉलो करो, और देखो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, यानी मुझे तो मिला था, आई होप आपको भी मिलना ही चाहिए। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में आपको इसी तरह से नीट रिलेटेड वीडियोस और मेडिकल कॉलेज रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। तो यार तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप रॉकिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।